पंडित चार तो ठाकुर था, रात में चोरी हुआ था। धनबाद के कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। पूरे जिले में अपराधियों का साम्राज्य कायम है। इन दिनों अपराधी अपनी कारगुजारियों को बेखौफ होकर अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि व्यवसायी, इंजीनियर, डॉक्टर और पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। जिले में चोरी, डकैती, लूट लोगों की दिनचर्या में शामिल हो चुकी है। अपराधी रोजाना जिला पुलिस को चुनौती देने के काम में बेखौफ लगे हैं। इधर रविवार की देर रात जोरापोखर थाना क्षेत्र में इंजीनियर के घर में हथियार के बल पर डाका डाला। वही सोमवार की रात शहर के पौश इलाका और वीआईपी क्षेत्र डीडीसी आवास के पीछे एक आईपीएस और एक डॉक्टर के घरों को अपराधियों ने निशाना बनाकर लाखों चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिले के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं, लेकिन धनबाद पुलिस अब महज जांच एजेंसी ही बनकर रह गई है। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। पुलिस खानापूर्ति करने के लिए दो पहिया वाहनों का हेलमेट जांच करने में लगी हुई है। सड़क पर जांच के नाम पर पुलिस ने आतंक मचा रखा है, जबकि पूरे जिले में दिन हो या रात पुलिस की टाइगर मोबाइल और गश्ती दल और पीसीआर वाहन वसूली छोड़कर और किसी काम को तवज्जो नहीं देती है। ऐसे में पुलिस के वरीय अधिकारी समय समय पर दो चार अपराधियों को लाकर कांडों का उद्भेदन का दावा तो करती है, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने में धनबाद जिला पुलिस पूरी तरह नाकामयाब और विफल है। डीपीएन वर्मा कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया, जिसमें उनके परिवार में पत्नी और तीन बेटी है। पहला अलका वर्मा पति प्रदीप कुमार आईएफओ थे शिमला में, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा अनीता वर्मा पति अमरजीत सिन्हा, जो दिल्ली में आईएएस है। तीसरा अल्पना वर्मा पति तलीन कुमार आईएएस है दिल्ली में। तीनों दामाद आईएएस है जो दिल्ली मंत्रालय में योगदान दे रहे हैं। और एक बेटा डॉक्टर अतुल वर्मा जो हिमाचल प्रदेश में आईपीएस के पद पर योगदान दिए हैं। हाल ही में 6 महीने पहले प्रोन्नति लेकर हेडक्वार्टर दिल्ली में योगदान दिए है। वही सीआईएसएफ का खोजी कुत्ता बुलाया गया। खोजी कुत्ता सुनकर रेडक्रॉस होते हुए पुनः वापस आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचईबीएन न्यूज। क्या मामला सर? कल रात को गया था पार्टी द्वारा, यहाँ एक गार्ड को बंधक बना करके घर में कपड़े को उलट पलट करके लूट का प्रयास किया गया। हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कार्रवाई बनती है। लीगल एक्शन जो होता है, डॉग स्क्वाड टीम बुला लिए और एफएसएल का टीम आया हुआ है, अपना वर्क कर रहा है। इसमें हम लोग वर्क करके संदिग्ध है जिसमें शामिल है उसको हम लोग। कितनी की संख्या में थे सर? अब ये जब इसका एफ आई आर ड्राफ्ट होगा उसके बाद हम लोग सही बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या होगा। क्वेश्चन आप, क्या हुआ है यहाँ सर? रात में चोरी हुआ है। हाँ, रात में चोरी हुआ सर। चोरी हुआ था, कितने लोग थे? लगभग 9-10 आदमी थे। 9-10 थे। हाँ। क्या कुछ पहने हुए थे क्या सर? रूम में लगा हुआ था। हाँ, रूम में बंधा हुआ था, लगाया हुआ था। हाँ। कितने बजे रात में आया था? लगभग 1:30 बजे। 1:30 बजे रात में। खाली हाथ था क्या? सर तो बस पंडित चार चाकू था। चाकू था, मतलब चाकू, चाकू और बंदूक था। छोटका जो है, क्या किया आपके साथ? मतलब जब तक चुप रहो तो मार देंगे। हाँ, उसके बाद तो मार देंगे उनको। जो हम मुँह में बांध दिया, कपड़ा दे दिया, अपनी बांध दिया। हाँ, उसके बाद कहाँ रखा? वहीं पर उल्टा कर रख दिया। उसके बाद वो लोग हम लोग पसंद करके बहुत तकलीफ होता नहीं बढ़ सके भाई, किया टेबलों में बैठा के। उसके बाद क्या किया? उन लोगों को छोड़ कर हम लोग चल गए। आदमी बैठे रहा वहाँ पर। हाँ, एक आदमी बैठे रहा। हाँ, हालात कर तेल देना। हाँ, ले दिया। हाँ, घर में। हाँ, कितनी के सामान ले गया? अब नहीं कर सकते सर। किनका घर था ये? डॉक्टर पीएन वर्मा, डॉक्टर पीएन वर्मा। अच्छा। क्या सच है क्या झूठ? अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।